दोस्तों, द स्टडी विथ एएसके में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि कांत गुप्ता अपने द स्टडी विथ एएसके चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमने पिछली कक्षा में जितनी चीजें पढ़ी वो आपको समझ में आया होगा। पिछली कक्षाओं में हमने वन्य जीव विहार और अभयारण्य के बारे में पढ़ा। अब देखिए, हम सबसे वन्य जीव विहार और अभयारण्य किस लिए बनता है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। भाई यहाँ तो पर्यटन दो दो उसके उद्देश्य होते हैं। पहला पर्यटन होता है, वन्य जीव विहार हो या पक्षी अभयारण्य हो या फिर हमारा कुछ धार्मिक स्थल। और वन्य जीव विहार और पक्षी अभयारण्य का एक और होता है पक्षियों के संरक्षण के लिए। दो चीजें होती हैं, उससे आमदनी भी होती है और पक्षियों का संरक्षण भी होता है। ये चीजें इन दो उद्देश्यों की वजह से हम लोग इसकी करते हैं। तो हम अब पर्यटन के उद्देश्य से एक चीजें तो पढ़ ली, अब हमें दूसरी चीजें पढ़नी है। क्या पर्यटन के उद्देश्य से? प्रमुख ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक ऐतिहासिक एवं धार्मिक भी धार्मिक पर्यटन पर्यटन स्थल चर्चा। देखिए तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की विशेष चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश का एक राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और होता है, अब पर्यटन का विकास करने के लिए तो कुछ कोई निगम बना होगा, तो पर्यटन विकास निगम निगम भी है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये चीजें हम लोग देखेंगे। अब उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास, अब देख और राज्य में पर्यटन को देखिए, पर्यटन किसी भी राज्य का हो, किसी प्रदेश का हो, किसी जिले का हो या किसी देश का हो, पर्यटन हमेशा उसके आय का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो हम उसे उद्योग में रखते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग में, तो पर्यटन को उद्योग में भी रखा गया। तो पर्यटन को उद्योग कब समझा गया ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम राज्य पर्यटन दिवस की बात करते हैं, तो 14 फरवरी, 14 फरवरी का आप सबको पता है कौन सा डे होता है, सब लोग समझ गए होंगे। तो 14 फरवरी के दिन हमारा राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था 1998 में। देखिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा इसलिए दिया क्योंकि उद्योग का मेन पर्पज होता है आय की को अर्जन करना। आय की अर्जन कैसे होगा जब हम पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे और अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। और भारत में ही उत्तर प्रदेश में देखिए जो सबसे ज्यादा पर्यटन कहाँ से आते हैं, ताजमहल देखने के लिए आते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये भारत में सर्वाधिक पर्यटन कहाँ पे आते हैं, पर्यटन उत्तर प्रदेश में ताजमहल सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। ये चीज हमने देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं यूनेस्को। आपको यूनेस्को पता है, यूनेस्को जो है हमारा ये हमारा विश्व धरोहर सूची जारी करता है। उत्तर प्रदेश के तीन विश्व धरोहर सूची में तीन स्थल शामिल है। पहला ताजमहल, ताजमहल है। दूसरा हमारा आगरा का किला। दूसरा कौन सा है? आगरा का किला, आगरा का किला है। तीसरा हमारा कौन सा है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर। देखिए, ये दोनों 1983 में हुए थे और इसको 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और उत्तर प्रदेश की दो और विश्व धरोहर सूची में शामिल है जो स्थल है, कौन कौन सा, जिसका स्थल नहीं, स्थल तीन है, स्थल कौन कौन से हैं? पहला ताजमहल है, दूसरा आगरा का किला है, तीसरा फतेहपुर सीकरी है। और उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन की दृष्टि से या मेले की दृष्टि से सबसे ज्यादा एक सिटी ऑफ म्यूजिक है,
इसको बोला जाता है सिटी ऑफ म्यूजिक। ये जो कहाँ पे है, वाराणसी, वाराणसी में। और हमारा एक है कुंभ मेला, कुंभ मेला, इसको 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, इसको 2016। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, हम लिख के एक एक के बारे में समझाते हैं आप लोगों को, अलग अलग जिलों में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है। तो सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल देखिए उत्तर प्रदेश में जो आगरा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रह चुकी है और मुगलों की राजधानी रही है, इसलिए आगरा में सर्वाधिक निर्माण हुआ होगा। तो आगरा में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने का जो स्थान है वो है ताजमहल। लेकिन अन्य भी आगरा में कई जो मकबरे हैं, मस्जिदें हैं, और ताजमहल के अलावा भी कई चीजें हैं जिनकी किला है जिनकी चर्चा होती है और जो महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक अकबर का किला। देखिए मुगल, मुगल का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था मुगल काल का, अकबर। और अकबर ने अपना किला कहाँ बनवाया, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ पे है, आगरा में। ताजमहल तो सबको पता है, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है। इसके अलावा दो चीज और है, एतमाद उद्दौला का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा, और एक हमारा मोती मस्जिद, मोती मस्जिद ये कहाँ पे हमारा, आगरा। इतनी चीजें कहाँ पे है, आगरा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे, जिसको न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी कहाँ बोला जाता है, प्रयागराज को। और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला पर्यटन के स्थल, यहाँ पे कई चीजें हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं आनंद भवन, आनंद भवन है, और स्वराज भवन, स्वराज भवन है, भरद्वाज आश्रम है, भारद्वाज आश्रम आश्रम है, और हमारा यहीं पे अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क यहीं पे हमारा चंद्रशेखर, उसको बोला जाता है चंद्रशेखर आजाद पार्क। अकबर का किला है, अकबर का किला, किला है, अक्षय वट है, अक्षय वट है यहीं पे, यहीं पे हमारा खुसरो बाग, खुसरो बाग भी है। तो कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रयागराज, हमने इन चीजों के बारे में चर्चा कर ली। अब महत्वपूर्ण जिले अलग अलग हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट जिले हैं उनके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तीन जिले और बचे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, चार जिले। अब देखिए हमने अगला है हमारा कौन सा जिला, आगरा हो गया हमारा, वाराणसी, हम लोग कौन सा करते हैं वाराणसी, वाराणसी में इसको देखिए मंदिरों का शहर बोला जाता है, क्या मंदिरों का शहर, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मंदिर है। बेचू आप लोगों को पता है कहाँ है, एकमात्र भारत में जो भारत माता मंदिर है, ये ध्यान रखिए भारत माता मंदिर कहाँ पे है, हमारा वाराणसी में, गंगा के 84 घाट, ये आपको पता है 84 घाट कहाँ पे है, वाराणसी में है। और विश्वनाथ मंदिर, सर्व फेमस विश्वनाथ मंदिर, मंदिर कहाँ पे है, विश्वनाथ मंदिर हमारा वाराणसी में। संकट मोचन मंदिर कौन सा, वही विश्वनाथ मंदिर के पास कौन सा है, संकट मोचन मंदिर। और हमारा कौन सा है यहाँ पे, तुलसी मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे हमारा वाराणसी में। राजघाट, 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 सारनाथ, ये कहाँ पे है, सब वाराणसी में। अन्नपूर्णा मंदिर एक सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर ये कहाँ पे हमारा वाराणसी में। तो हमने वाराणसी की पढ़ ली, अब हम पढ़ लेते हैं अगला हमारा लखनऊ, लखनऊ
लखनऊ नवाबों की नगरी, आपको पता है अवध का, अवध की राजधानी थी लखनऊ, कि अवध में नवाबों का शहर था, अवध में निर्माण कार्य अधिक हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग, यहाँ की बेगम आखिरी कौन थी, जो वाजिद अली शाह थी उनकी वाइफ कौन थी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल पार्क कहाँ पे है, लखनऊ, सबको पता होगा। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, इमाम बाड़ा, और इसी इमाम बाड़े में भूल भुलैया है, भूल भुलैया हमारा कहाँ पे है, लखनऊ में। काकोरी शहीद स्थल कहाँ बना है, काकोरी शहीद स्थल, काकोरी शहीद स्थल हमारा कहाँ पे है, वही है। उसके अलावा यहाँ पे नेशनल बॉटेनिकल गार्डन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम लोग याद रखेंगे, नेशनल बॉटेनिकल, बॉटेनिकल गार्डन, इतनी चीजें हैं हमारी। बाकी चीजें हैं उसको हम आपको लिस्टिंग करके दे देंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें हम आपको लिखवा रहे हैं, उसको आप लिखते चलिए। अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जिला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ अकबर, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। तो यहीं पे हमारा क्या है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा, अभी हमें आप लोगों को बताया बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है। अकबर का सबसे प्रिय मंत्री कौन था, बीरबल, तो बीरबल महल कहाँ पे है, वहीं पे है। सलीम चिश्ती, देखिए सलीम चिश्ती की दरगाह से पे मन्नत मांगने से ही अकबर के पुत्र हुआ था सलीम, जिसका नाम रखा। तो सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर कहाँ बनवाया, वहीं बनवाएगा। और इनका सबसे महत्वपूर्ण रानी कौन थी, जोधाबाई, तो इनका महल कहाँ, जोधाबाई महल या मकबरा, दोनों ही। दीवाने खास, दीवाने खास, खास लोगों की चीजें यहीं पे थी, दीवाने खास यहीं पे है। मरियम महल और पंचमहल, मरियम महल ये याद रखें, मरियम महल और पंचमहल ये चीजें याद रखें, कहाँ पे है हमारी, आगरा की, सॉरी फतेहपुर सीकरी। इसके बाद हम लोग इसी में एक इम्पोर्टेंट सार जान लेते हैं, जौनपुर, कौन सा, जौनपुर, जौनपुर में कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो बहुत सी चीजें हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक शाही किला है, शाही पुल है, शाही किला कहिए चाहे एक शाही पुल, पुल है और एक किला भी, शाही किला भी है। और एक अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद है। और एक हमारा यहीं पे हिंदी भवन, सबसे महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी भवन कहाँ पे स्थित है, जौनपुर में, ये जौनपुर में स्थित है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं अपना, सब देखते हैं अलग अलग जिलों के। अब कुछ महत्वपूर्ण देखिए, और दो और जिले बचे हैं, सबसे बड़ा जिला, सबसे इम्पोर्टेंट जिला, एक अयोध्या बचा है, एक गोरखपुर। गोरखपुर आज के समय महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्रीय जिला कौन सा है, गोरखपुर है। हम लोग गोरखपुर पढ़ लेते हैं, जो गोरखपुर में है, एक यहाँ पे गीता प्रेस, गीता प्रेस कहाँ पे है, गीता प्रेस जिसे रामायण वगैरह भगवत गीता वगैरह छपती है, ये गीता प्रेस कहाँ पे, गोरखपुर में। गोरखनाथ मंदिर आपको पता ही है, गोरखनाथ मंदिर, मंदिर, और यहीं पे हमारा जो है गीता वाटिका। अच्छा ये कांड हुआ था आपको पता है, चौरी चौरा कांड, जो कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड के लिए वहां पे एक स्थल बना चौरी चौरा, वो कहाँ पे है, गोरखपुर। अब दो चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, एक मथुरा पढ़ लेते हैं और एक अयोध्या, कृष्ण जी की धर्मधानी मथुरा और अयोध्या, अयोध्या के बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या। अब हम लोग सबसे पहले मथुरा की बात पढ़ते हैं, तो मथुरा में हमारा क्या है, मथुरा में गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन, सबको पता है, बरसाना है, नंदगांव है। एक चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग याद कर लेते हैं, मान सरोवर, मान सरोवर। और एक चीजें याद रख लेते हैं हम यहीं पे, कोकिला, कोकिला
वन, दो चीजें, एक मानसरोवर और एक कोकिला वन, और बाकी वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, ये चीजें आप सबको पता है। अब हम लोग अयोध्या के बारे में पूछ लेते हैं। अयोध्या में कनक भवन, आप गए होंगे तो कनक भवन है मंदिर, हनुमानगढ़ी, हनुमान गढ़ी, इसके अलावा राम जन्मभूमि है, ये सबको पता है, पांच जैन तीर्थकार हैं और बहु बेगम का मकबरा। इसके अलावा हमारा कौन सा है, अयोध्या में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट। देखिए अयोध्या में हमने इतनी चीजें, बहु बेगम का मकबरा, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, ये चीजें हैं अयोध्या में बहुत इंपॉर्टेंट। यही है पांच जैन, ये अयोध्या में पांच जैन तीर्थकारों का जन्मभूमि, सबसे ज्यादा पंच तीर्थकार की जन्मभूमि, ठीक, ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अपना। अब अलग अलग जिलों में एक एक करके सब है, अलग अलग जगह। चकुशी नगर में हम लोग देख लेते हैं, बुद्ध जी की शयन में, बुद्ध जी की शयन मुद्रा में, मुद्रा में मूर्ति, मूर्ति प्लस बुद्ध जी का महान पर निर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु के समय महापरिनिर्वाण, ये जहां कहां पे है, बुद्ध के नाम से ही जान लीजिए, कुशीनगर में। आपको पता है कुशीनारा जिला था जहां पे बुद्ध जी ने अंतिम सांस ली थी। इसके बाद हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कुशीनगर के बाद। अब एक लेहड़ा देवी मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंदिर है, लेहड़ा देवी मंदिर कहाँ पे है, महाराजगंज, कहाँ पे है, महाराजगंज लेहड़ा देवी मंदिर है। इसके बाद कंपिल फरुखाबाद में कौन सा मंदिर है, सॉरी क्या है, कंपिल, जेके मंदिर एंड जाजमऊ और बिठूर। देखिए ये कानपुर में, बिठूर आप सबको पता होगा, जो मराठा साम्राज्य के अंतिम बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा थे, उनको बिठूर भेज दिया गया था। आपको पता है अंतिम युद्ध में जब मराठा और अंग्रेज का अंतिम युद्ध हुआ था 1820 तक, तो उसमें जो अंतिम जो मराठा संघ था उनको भंग करके अंतिम पेशवा जो थे उनको बिठूर भेज दिया गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं लखीमपुर खीरी में आप सभी ने देखा क्या है, एक दुधवा, अभी कई बार उसको बता चुके हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये आप सब लोग जानते हैं। यहीं पे मेढुक मंदिर और कोला गोरखनाथ, मेढुक मंदिर और कोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पे, लखीमपुर में। आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने बताया, दुधवा टाइगर रिजर्व भी बताया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सहारनपुर। देखिए इनके नाम पे मेला भी लगेगा सहारनपुर में साकंभरी देवी मंदिर है। और एक हमारा यहीं पे देवबंद दारुल उलूम है, देवबंद दारुल उलूम है। और यहीं पे हमारा उलास। और लखनौती किला कहाँ पे है हमारा, सहारनपुर में, ठीक। अच्छा नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रहा, आप सबको पता होगा नोएडा में क्या है, फिल्म सिटी नोएडा में। अभी हमने आपको एक चीज और बताई है, क्या है नोएडा में, नाइट सफारी नोएडा में हमारा है।
इसके बाद संत कबीर नगर में संत कबीर समाधि स्थल, ये याद रहेगा, सनातन धर्म मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, ये हमारा संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। अच्छा, संत कबीर नगर का अभी हमने बताया मुख्यालय कहाँ पे है हमारा, संत कबीर नगर का मुख्यालय हमारा है खलीलाबाद। ये चीजें हमने देख ली, सनातन धर्म, संत कबीर नगर में हमारा जो है, संत कबीर नगर में, सॉरी हम लोग गलत कर दिए, संत कबीर नगर में संत कबीर नगर मंदिर है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हमारा जीबीटी नगर, कौन सा, जीबीटी नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक, गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया था। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ लेते हैं, पाटेश्वरी देवी, इसको एक चीजें आपको अभी हमें याद दिला दे रहे हैं, पाटेश्वरी देवी, इसको बोला जाता है देवी पाटन, और यहीं पे देवी पाटन का मेला लगता है। पहले पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पे है हमारा, हम दिल देखते हैं, बलरामपुर, बलरामपुर कौन सा है। इसके बाद बांदा, कालिंजर, कालिंजर दुर्ग में हमारा क्या है, बांदा, कालिंजर दुर्ग कहाँ पे है, बांदा में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, इसलिए आप सबको पता होगा झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई का महल, ये सब कहाँ पे होगा, झांसी में होगा। एक है जायसी स्मारक या टीकर माफी आश्रम, जायसी स्मारक, ये कहाँ पे है हमारा, अमेठी, 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 अमेठी का भी हम बताते हैं कहाँ पे है उसका, गौरीगंज, ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ मरा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब दोबारा आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो कहाँ मरा था, कहाँ पे, गाजीपुर, और वहीं पे उसका मकबरा है। किछौछा शरीफ और एकलव्य स्टेडियम, किछौछा शरीफ और एकलव्य स्टेडियम, ये क्या है, एकलव्य स्टेडियम, ये कहाँ पे है, स्टेडियम, ये हमारा अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर का भी हम आप लोगों को बताए थे कहाँ पे है इसकी मुख्यालय, अंबेडकर नगर का, आप सब बताइए, चलिए अंबेडकर नगर का मुख्यालय कमेंट में लिखिएगा कहाँ पे। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अगला आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में क्या है, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा है कालांकार, काला कंकार, काला कंकार, सराय नहर, आपको पता है ये, हम सराय नहर आपको पता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम जो खुदाई हुआ था, और बाबा घुईसर नाथ मंदिर, बाबा घुईसर नाथ मंदिर कहाँ पे है हमारा, बाबा घुईसर नाथ मंदिर हमारे प्रतापगढ़ जिले में, ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अपना इन सब का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे, आइए हम इन सब का रिवीजन करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इनके बारे में हम जानकारी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल जो है कई हैं, तो देखिए पर्यटन दिवस उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी के दिन, याद रखिएगा उसी दिन सब बच्चे घूमने जाते हैं, तो 14 फरवरी के दिन पर्यटन दिवस रखा गया। उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक देखने के लिए कहाँ पे लोग आते हैं, ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, और वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा आते हैं। पर्यटन विकास की स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1974 में, और 1998 इसे उद्योग का दर्जा दे दिया, और यूनेस्को में 3 स्थल शामिल है, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक इसको बनारस में है, ये यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा शामिल है। इसके बाद आता है ये कुंभ मेला, ये 2017 में शामिल हुआ था। अब हम लोग अलग अलग जिले में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए आगरा में अकबर, अकबर का मकबरा है, ताजमहल है, एदमात उद्दौला है, मोती मस्जिद है। प्रयागराज में आनंद भवन, स्वराज भवन, भारद्वाज आश्रम, अल्फ्रेड पाल, अकबर का किला, अक्षय वट, खुसरो बाग, ये कहाँ पे हमारा, प्रयागराज में है।
इसके बाद हम लोग वाराणसी में चलते हैं। वाराणसी क्या है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। भारत माता मंदिर, 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, राजघाट, सारनाथ, अन्नपूर्णा मंदिर, ये सभी मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। लखनऊ में क्या है? बेगम हजरत महल, जो नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में। इमामबाड़ा कहाँ पे है? बड़ा इमामबाड़ा या छोटा इमामबाड़ा, दोनों कहाँ पे है? लखनऊ में है। और बड़े इमामबाड़े में क्या है? भूलभुलैया है। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? लखनऊ में। काकोरी शहीद स्थल कहाँ पे है? लखनऊ। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ। फतेहपुर सीकरी में अकबर के जितने महत्वपूर्ण योगदान थे उन सब के उपलक्ष्य में और अपने महत्वपूर्ण मंत्रियों के लिए उसने वहीं पे सब बनवाया था। तो जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने साथ, मरियम महल और पंचमहल, ये कहाँ था हमारा? फतेहपुर सीकरी। जौनपुर में शाही किला है, शाही पुल है, अटाला मस्जिद है और हिंदी भवन, ये हमारा कहाँ पे है? जौनपुर में। अयोध्या में कनक भवन, हनुमानगढ़ी, बहु बेगम का मकबरा, ये ध्यान रखिएगा अयोध्या में। और पंच तीर्थकार, जो पांच तीर्थकार थे उनका जन्म स्थली कहाँ पे है? पांचों तीर्थकार का जन्म स्थली कहाँ पे है? अयोध्या। मथुरा में मानसरोवर और कोकिला वन, देखिए कोकिला वन और मानसरोवर दो चीजें याद रखिएगा, बाकी चीजें जो वृंदावन बरसाना है ये सब चीजें मथुरा में, ये सबको जानकारी है। और मथुरा के बारे में सर्वाधिक जो पश्चिमी जिला है जिसमें कम वर्षा होती है कहाँ पे है? मथुरा। गोरखपुर में गीता प्रेस, गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका और ये काकोरी सॉरी चौरी चौरा कांड का स्थल भी है। ठीक। और बुद्ध जी का अंतिम शयन कुशीनारा में मृत्यु हुई थी और बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण और मंदिर भी वहीं पे, और शयन मुद्रा में उनकी मूर्ति कहाँ पे है? कुशीनगर में। और इसके अलावा कंपिल फरुखाबाद में है, जाजमऊ बिठूर और जेके मंदिर ये कहाँ पे है? कानपुर में। लेहड़ा देवी मंदिर महाराजगंज में है, और उसके बाद नोएडा में फिल्म सिटी है, मेढुक मंदिर और गोला गोरखनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में, ये सबसे इम्पोर्टेंट गोला गोरखनाथ। ठीक। सहारनपुर में साकंडबरी देवी मंदिर है, देवबंद है, दारू उलूम है, लखनौती किला भी है। सनातन धर्म मंदिर कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर, ये जो हमने गलती से संत कबीर नगर बोला था आप लोग ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे है? सनातन धर्म मंदिर। पाटेश्वरी देवी, देवी पाटन का मेला भी यहीं लगता है, ये कहाँ पे है? बलरामपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, मंदिर पूछा जाता है पाटेश्वरी देवी। कालिंजर दुर्ग बांदा में, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है? गाजीपुर में, चूंकि ये दूसरी बार आया था तो गाजीपुर में इसकी मृत्यु थी। जायसी स्मारक अमेठी में, अमेठी का मुख्यालय कहाँ पे? गौरीगंज में। पिछौछा शरीफ और एकलव स्टेडियम कहाँ पे? अम्बेडकर नगर, अभी हमने इसका क्वेश्चन पूछा था, आप सबने उम्मीद है कि आप सबने लिखा होगा, जानकारी रखी होगी, कहाँ पे है अम्बेडकर नगर का मुख्यालय? अकबर। प्रतापगढ़ में क्या है? सराय नहर है, बाबा भुईसर नाथ मंदिर। ठीक, इतनी चीजें, बाकी आगे की कक्षाएं हम लोग लोकनृत्य